हमने चावल लिए थे वो हमारे अच्छे नहीं निकले, हमारा तजर्बा बड़ा खराब रहा है। यहाँ पे अब हम लोग लेके हैं मुंजी, ये एक थैला हमने उतार लिया, चार मन है ना ये, चार मन है, हाँ चार मन है, ये गाड़ी में रख के लेके आए। और अभी लास्ट टाइम हमने एक इसका एक मन लेके ट्राई की थी, वो अच्छे निकले थे हमारे राइस। तो अभी हमने ये जो कायनात की एक टाइप है, कायनात राइस की, इसको लेके जाना है यहाँ से गाड़ी से निकाल के छत पे और धूप में फैलाना है। सबके छत पे इसको धूप लगवाते हैं, धूप लगवाने के बाद फिर इसको चढ़ाएंगे, चढ़ाने के बाद फिर आपसे शेयर करेंगे इसकी प्रोडक्ट और क्या क्या इसकी हमें कितने चावल निकले, क्या साल था। क्योंकि इसको उठा के लेके जाना सबसे बड़ा काम, इसको छत पे पहुंचाना। हाँ ये छत पे ले जाके आपको दिखाते हैं कि कैसे जाना ये है। भाई की शादी से फारग हो गए, और फारग होने के बाद जो हमारे घर के हालात है ना, शादी वाले घर में तो पता नहीं अब इस तरह के हैं या नहीं। यहाँ पे अभी मैं इस टाइम पे इतनी जब चीजों को कपड़ों को तह लगा चुकी हूँ, कुछ यहाँ पे मैंने हैंग किए हैं, ये पूरी जगह ये भरी हुई है। आतिफ के कपड़े अभी मैंने सारे उठा के वार्डरोब में हैंग कर दिए हैं, जो तह लगाने वाले थे वो रख दिए, हरीम के इधर पड़े हुए, जिसका जहाँ पे दिल किया ना वहीं पे उतार के फेंक के भाग गया वो कपड़े। और लिटरली इतना ज्यादा काम है ना, इतना ज्यादा काम है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से एंड करूँ। पूरे घर की आप हालत देखिए, अभी ये सिर्फ ये कमरे की हालत है, हमारे दूसरे रूम की, बाहर शूज की, लाउंज की, हर जगह की ये कंडीशन है। मुझे लगता है कोई दो दिन तो मुझे इनको सेट करने में लग जाने। हालत भी चेक कर ले, ये सारा हमारे ऐसे लग रहे जैसे हम ना किसी जूतों की दुकान में आ गए। यहाँ से लेके ये पूरे जो हम इन दिनों में रफ ढोलकी वगैरह में पहन के जाते रहे, जो हमने शादियों पे पहने, ये सारे के सारे सीढ़ियों तक हमने डब्बे, यहाँ पे हमारी एंट्रेंस जो फुल है ना ये जूतों से भरी हुई है। अभी इसको भी उठाना, हमने साफ सुथरे करके ये डब्बे पैक करके, ये अपना जो मेन एरिया है ना इसको साफ करते हैं ताकि जूते हमारे पाँव के नीचे आके इनकी हालत बुरी ना हो। यहाँ तक ड्राइंग रूम के दरवाजे तक हमारे हमने जूते रखे हुए, अभी इनको सबको पैक करते हैं, कचरा उठाते हैं सारा। अभी मैं बनाने लगी हूँ खीर, क्योंकि सबसे पहला जो काम होता है ना दावत के लिए वो खीर का काम मुश्किल होता है, क्योंकि भाई की नई नई अभी शादी हुई है, तो सबसे पहली दावत जो है ना मैंने बड़े होने के नाते मेरा इरादा बनाया कि मैं ही करती हूँ। उससे पहले भी मोस्टली जब भी जिस जिस भाई की शादी हुई है पहली दावत हमारे घर में होती है, तो अभी सबसे पहले मैं खीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और खीर उनको सबको मेरे हाथ की बनी हुई बहुत पसंद है। दूध यहाँ पर मैंने डाल दिया 4 लीटर और ये गर्म हो गया दूध। उसके साथ ही अभी इसमें मैंने आधा कप जो चावल पे भिगो के रखे थे ना, ये जो टोटा चावल होते हैं ये वो है, वरना आप अगर साबुत हो तो उनको हाथ की मदद से क्रश कर लें। तो इन चावलों को मैंने मिनरल वाटर के अंदर भी भिगोया हुआ था, ये मैंने इसमें डाल देने हैं। और जैसे ही एक उबाल आ जाएगा ना इसके साथ चावलों के, हमने इसको ना पकने के लिए छोड़ देना आँच हल्की करके। ये खीर पक पक के दूध के साथ जो है ना इसके चावल ये गाढ़े होंगे, तो फिर हमने खीर को उतारना है। दूसरा काम जो मैंने किया है, इसको मैं ज़रा आँच को स्लो कर दूँ, उबाल ही ना आ जाए इसके अंदर। यहाँ पर है जी मैंने एक कबाब रेडी किए हैं, ये तो फ्राई हो रहे हैं, उसका सैंपल हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पर ये मैंने शामी कबाब बनाए हैं, और ये फिर क्योंकि स्पेस कम होती है फ्रिज में, इस तरह से ना ये एक के ऊपर एक करके मैं लेयर इनकी बना बना के इस तरह रखती जाती हूँ, ये चेक करें। और ये सारे शामी कबाब हमारे रेडी पड़े हैं, ये बाकी बच्चों के लिए भी फ्राई करने लगी हूँ ताकि वो चख लें कैसे बने हैं। और उसके बाद जो बाकी है ना इनको हमने जब दावत के टाइम पे मैं फ्राई करूँगी घर में। पर खाने के लिए भी हमने बनाई है दाल मूंग मसूर की, और साथ ही ये शामी कबाब है। रोटियां मैं बना रही हूँ, और उतनी देर में हमारी जो है ना वो खीर पक्के रेडी हो जाएगी ताकि ये ठंडी भी हो जाए। और हमारी लाइट भी चली गई है, वीडियो पता नहीं किस तरह की आ रही है नहीं। आजकल जो सर्दियों की वजह से ना, सर्दियों में भी लोड शेडिंग का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है। यहाँ पे प्याज के साथ मैंने कुकिंग ऑयल गर्म करके उसके अंदर प्याज डाला है, उसके साथ सारे गर्म मसाले और ये जो ड्राई लीमू है ना ये डाले हैं, साबुत गर्म मसाले डाले हैं, प्याज ब्राउन हो गया। अब मैंने डाल देना है इसके अंदर ये धुला हुआ चिकन, और ये चिकन जो है वो अच्छे तरीके से भून लेना है। चिकन हमारा जो है ना वो ज़बरदस्त था, ये देखें इतना प्यारा इसका कलर आ गया, ये भुनना शुरू हो गया और बहुत अच्छे तरीके से। अभी मैंने इसमें चिकन डाल के टमाटर भी डाल दिए, इसके अलावा इमली और आलू बुखारा वो भी डाल दिए। अभी इसको अच्छे तरीके से भूनते हैं, हरी मिर्चों का पेस्ट और थोड़ा सा बिरयानी मसाला। यहाँ पर वाइट दाल माश बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने ले लिया है ऑयल, और उसके अंदर थोड़ा सा बस प्याज डाला है। ये जो दाल माश है ना इसको मैंने बॉईल कर लिया, 1 कप दाल माश है, और इसको मैंने 10 मिनट की स्टीम लगा कर इसको बॉईल कर लिया, और अभी हम वाइट दाल माश भी इसके साथ बनाएंगे। अभी मैं बनाने लगी हूँ कीमा, और उसके लिए यहाँ पर ले लिया है मैंने मटन का कीमा, उसमें 2-3 अदद प्याज, बाकी 3-4 हरी मिर्चें, अदरक, और अदरक का ये पेस्ट है ये क्यूब आपको नज़र आ रहा होगा, बाकी लहसुन के जवे जो साबुत है, नमक, सुरख मिर्च और हल्दी डाल के ना बस अब मैंने पानी डालना है, बाद में इसमें दही डालना है। और इसके अलावा यहाँ पर वाइट दाल माश जो है वो हमारी इस टाइम पर रेडी हो चुकी है, और ये चिकन पुलाव बनाने के लिए चिकन भी रेडी पड़ा है। इसके अलावा जो मैंने काम किया है
ये सैलड, सैलड मैंने काट के रख लिया है, खीर ठंडी होने के लिए रखी हुई है, कबाब अभी मैं फ्राई करूँगी, बस इन चीज़ों को अभी जल्दी जल्दी से, जो चावल है ना वो मैं भिगोती हूँ, मटर निकाली है, कीमा मटर मैंने बनाना है, तो ये फ्रेश मटर जो है वो मैंने निकाली है और अभी मैं इसको स्टीम लगाती हूँ सबसे पहले। अच्छा तब यहाँ पे लिए हैं जूस भी मेहमानों को सर्व करने के लिए, इसके अलावा फ्रूट भी है, ये सैलड वगैरह की चीज़ें हैं। बर्तन मैंने धो के ये डिनर सेट वगैरह जो है ना सारा मैंने इस साइड पर रख लिया है साफ सुथरा, और अभी ये फिर मुझे इसके बाद ड्राई करने में भी इशू नहीं होगा, और बाकी काम का जो है ना वो इसके बाद अभी साथ साथ होता जाएगा। यहाँ पे नान आ चुके, उनको मैंने एज इट इज़ ही ना शॉपर में रख दिया है क्योंकि ये फिर ठंडे हो जाते हैं, और अभी मैं बनाने लगी हूँ फ़िलहाल जो आतिफ के लिए रोटी, क्योंकि वो नहीं खा रहे नान, काफ़ी दिन हो गए शादी में ना, वो नान ही खा खा के नानों वाला हाल हो गया था। चिकन पुलाव के लिए यहाँ पर चिकन हमारा रेडी है, बस अभी मैंने इसके अंदर चावल डालने और कीमा मटर यहाँ पर पकने के लिए मैंने रख दिया, इसको स्टीम आ जाती है। तो गाइस ये सीन ऐसा है कि इस वक्त जो है ना हमारे घर में जो है ना अभी तक ये वाले जो है ना यूज़ हो रहे हैं, आप देखें ये वाले कंबल दिए हमें बेगम ने, अपने जहेज के कंबल तो क्या देने, मैंने रजाइयों का, बच्चे जो है ना अभी एहतजाज पे आ गए कि रजाइयों के कम क्या देनी है अपने जहेज वाली, मेरी लाई हुई रजाइयाँ भी हमें देने के लिए बेगम तैयार नहीं है, हमारे हालत देख के सब लोग हम जो है स्ट्राइक, हाँ अली ऐसे है सब लोग, हाँ ईजान रजाई की जरूरत है कि नहीं, मुझे सबसे ज्यादा है अली, मुझे भी है भाई, मुझे तो बहुत ठंड लगती है बाबा को दो, और जो है ना हमारी बात सुने, मेरी बात सुने, आप अभी ये ब्लैंकेट दिखा रहे हैं और आप लोगों ने कितने ब्लैंकेट रख के गंदे किए हुए, मैं दिखाऊं आप लोगों को रूम में, आप लोगों ने मुझे खुद कहा कि हमारा अभी तक गुजारा हो रहा है, इतनी ज्यादा शदीद सर्दी नहीं है। एक मिनट, मैं एक सिर्फ एक कंबल में सोता हूँ, अली एक मोटे कंबल में, बाबा दो में, और मम्मा भी, हम देखें इस बार ये वाला कंबल जो है ना ये ऐसे बहुत ही पतली तह का कंबल है, लेकिन उसके बावजूद भी है ना बेगम का भी हौसला नहीं पड़ रहा, अल्लाह जाने कि ये हमारे समय से बला तरह नहीं भाई, अब तो मैं ऑर्डरी वे में कहूंगा कि भाई लेके आओ चीजें, नहीं मैं लेके आती हूँ, रजाइयों का मसला नहीं, एक तो आज बहुत ज्यादा लाइट जा रही है और जो ना अंधेरे की वजह से मैं इस टाइम पे बैठी हुई हूँ, बच्चों को लेके जाती हूँ, वरना मैं आपको तय रात के जो ना इस वक्त अभी जो है ना 10:30 हो गए हैं, हमारी बहस जारी है अभी 10:30 रजाइयां निकलवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको पूरा ढेर ब्लैंकेट्स करा के दिखाऊं जो आप लोगों ने इतने दिन से आप लोग यूज कर रहे हैं, नहीं कोई ढेर दूर नहीं है, ऐसी जो भी नजर आ रहा है लोगों को, बाबा ने एक मोटा कंबल लिए ब्लू कलर का और एक ये रेड वाला, ये जी फाइनली जो है ना खुदा खुदा करके रजाइयां मिल गई हमें, बच्चों की भी मैं दिखाता हूँ आपको, बच्चों की भी मिल गई है, खुदा खुदा करके जो है ना हमारी सुनी गई है आज, बच्चों को भी रजाइयां मिल गई है, और बेबी जो है ना बेबी भी अपनी लाल पीली नीली रजाई के अंदर जाके बैठ गई है, और बेगम जो ना अभी दिल से अंदर से रो रही है कि इनको क्यों रजाइयां दे दी, नहीं मैंने धोनी है मुझे उनकी, नहीं धोई है इंशाल्लाह, ये 2-3 सीजन हम ऐसे चलाएंगे, बिल्कुल नहीं है, ये सीजन में धोती हूँ, धो के फिर इनके जो टांके भरने ना वो बड़ा लंबा काम होता है, अब बच्चों खुश हो। तो यहाँ पे ना दावत के सारे आइटम्स रेडी हो गए हैं, दावत मैंने सिंपल सिंपल किया है, मैंने मेन्यू पूछ लिया था, मुझे पता है क्योंकि ये दोनों ही जो कपल है ना जो हमारा नया वाला यानी बिलाल और लैला, दोनों ही बिल्कुल ना वो बीफ खाते हैं ना मटन खाते हैं, तो उनको चिकन की डिशेज उनके लिए बनानी थी, और मटन का सिर्फ कीमा मैंने इसी हिसाब से बनाया कि कीमे में उनको इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, बोटियाँ नहीं बस वो खा सकते किसी भी चीज़ की, तो चिकन पुलाव बना लिया था मैंने जल्दी जल्दी, आज बहुत ज़्यादा इस तरह के काम थे कि मुझे था कि इन्होंने एक दिन में जाना है तो चलें मैं इनका खाना जो रेडी कर लूँ, मटर कीमा हमारा ज़बरदस्त सा रेडी है, सैलड मैंने सेपरेट सेपरेट बना लिया था कि आजकल प्याज वगैरह की वजह से ना लोगों के गले ख़राब हो रहे हैं तो इसलिए नहीं, और खीर जो है वो मेन नट्स सेपरेट रख दिए थे, सारे लोग उसमें डाल के जो है वो शौक से नहीं खाते, इसके अलावा शामी कबाब थे और गोला कबाब थे और दाल माश मैंने बनाई थी, ये सिंपल सा मेन्यू था, साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक्स रख ली थी, रायता था, तो बाकी जो है ना कि खाना खाने वाले बंदे भी बहुत ज़्यादा शौकीन हो तो फिर बनाने का भी मज़ा आता है। भाई और भाभी आज दावत पर आए हैं तो ये लेके आए हैं साथ भी, वहाँ का जो भावलपुर का है वो कह रहे हैं कि सबसे अच्छा जो बनाना केक उनको पसंद है ये बच्चों के लिए ये है, इसके अलावा ये मेरे ख्याल में बाकर खानी है, और ये हैं बच्चों के लिए चिकीज, जो बच्चे चीज़ें शौक से खाते हैं वो उनके खाने के लिए सारी चीज़ें लेकर आए हैं, और अभी खाना शाना हम लोगों ने खा लिया है, मैं बना रही हूँ चाय, चाय रखी है मैंने यहाँ पर पकने के लिए, इसको बनाते हैं और सारे मिलकर अभी इकट्ठे चाय पियेंगे, और बर्तन शर्तन मैंने उठा लिए हैं, और इस टाइम पे किचन की कंडीशन कुछ यूं है, यहाँ पर धोने वाले बर्तन जो लगे हुए हैं, और अभी हम खाना शाना खा के फ्री हैं लेकिन चाय पियेंगे, बैठ के गपशप करेंगे, और बाकी जो काम काज है ना बर्तनों वाला वो मैं इसके बाद करूँगी।
अभी भाई लोग चले गए हैं खाना शाना खा के, और ये जो बाकी खाना बचा सारे का सारा यहाँ पर मैंने इसको भी, ये नान भी बच गए हैं खाना, उन्होंने बिल्कुल बहुत कम खाया हुआ है। चूल्हा वगैरह साफ़ कर दिया, और इसके जो मैंने रॉड्स हैं ना ये ऊपर वाले, ये भी धो के यहाँ पर रखे हैं, इनको भी लगाती हूँ। चावल भी मैंने निकाले बाउल में, कीमा और ये मटर कुछ छिले हुए पड़े हैं, बाकी सारे बर्तन वगैरह धो दिए। यहाँ पर ढेर लग चुका है बर्तनों का अभी, और ये सारे के सारे जो है ना अभी सुबह तक ड्राई होंगे, तो फिर इनको उठा के जो कैबिनेट्स के अंदर या शोकेस में जहाँ जहाँ पे रखने हैं वो लगा दूँगी। अभी यहाँ पर इसके जो बर्नर है, ये चूल्हे के स्टैंड है, वो मैं इसके लगाती हूँ। काम काज ख़त्म करते हैं अभी किचन का। टाइम कितना हो गया आपको मैं दिखाऊँ, 10:30 हो गए हैं इस टाइम पर रात के। भाभी के मैके की तरफ से हमारे जो है ना कपड़े आए हैं मेरे और आतश आजाद के, बाकी भाभियों भाइयों के सबके आए हैं, उनकी चीज़ें उनके पास चली गई हैं। और यहाँ पर जो हमारे कपड़े हैं वो ये हैं सामने भी, ये आतश आजाद का ड्रेस है, ये ब्राउन कलर है, ऑलमोस्ट डार्क ब्राउन सा शेड आप जिसे कह ले। लेकिन इसमें तो मुंगिया रंग आ रहा है, इसमें कलर चेंज आ रहा है, लेकिन ये बड़ा प्यारा सा इसका कलर है। और यहाँ पर है दूसरा, ये मेरा ड्रेस है, ये देखें जी, ये इसका पोस्टर है, और ये मेरा ये विंटर कलेक्शन ही है, इस दफ़ा जो सर्दियों वाले कपड़े हैं वही हैं, ये इनके सारे पैचेस वगैरह हैं। और ये पर्पल कलर का सूट है मेरा जैकार्ड में, और साथ में इसकी शॉल है, ये इसकी शर्ट है, और इसी तरीके से इसकी एम्ब्रॉयडरी है, बाकी ये सारे के सारे इसके पैचेज हैं। और ये जब तक लगेंगे नहीं इसकी आपको समझ भी कोई नहीं आएगी डिज़ाइनिंग की, तो अभी जब ये रेडी होगा तो इंशाल्लाह पहन के आपको दिखाएंगे। और ये अभी जो है ना 10:30 हो गए हैं ऑलमोस्ट, और अभी मेहमान चले गए हैं दावत खा के, अभी बच्चों से रिव्यू पूछेंगे क्योंकि उनके होते हुए तो हमने वीडियो नहीं बनाई थी। हाँ बच्चों, कैसा खाना, कैसा रहा खाना, क्या क्या चीज़ आपको अच्छी लगी? बेबी आप बताओ पहले। मैं चावल बाटी वाले अच्छे लगे। हाँ। और साथ में मुझे वो अच्छा लगा, खीर अच्छी लगी, और साथ में मुझे गोला कबाब नहीं अच्छे लगे, गोला कबाब अच्छे लगे। अच्छा, और साथ में चटनी। अच्छा, और एजान मुझे, मैंने ना चावल ना शाबी कबाब, वो ना कीवे वाला चावल सालन का है, साथ वो जो दाल खाई थी वो भी अच्छी लगी है, बहुत अच्छी है। जो वो खाए थे गोला कबाब भी बहुत अच्छे थे, और साथ जो था खीर खाई है कि नहीं आपने, खीर वो भी नहीं खाई है, वो सुबह खाऊंगा। अली अली आप बताओ, बहुत मजा आ गया ना, पास हो जाओ आप, बुफे से अच्छा खाना था, बहुत मजेदार खाना था। अच्छा, क्या चीज सबसे अच्छी लगी आपको? मुझे शामी कबाब, और उसके बाद लगा है खैर नहीं खाई, खैर नहीं। अच्छा, तो आपको क्या अच्छा लगा? इन्होंने खीर इसलिए नहीं खाई बच्चों ने, क्योंकि जो बनाना केक लाल लेके आया था ना, लाल और लैला आते हुए, वो उनको लग रहा था कि बच्चों को इस तरह की चीजें ज्यादा पसंद है, इन्होंने खीर छोड़ के मीठे में वो खा लिया। और हमारे जैसे बंदे जो जिनको पता है ना कि खीर की अहमियत का अंदाज़ा है, हम लोगों ने खीर खाई है, हम लोगों ने केक जो छोड़ दिया है वो हम कल खाएंगे इंशाल्लाह। और आज का जो दावत जो है ना वो बड़ी बेहतरीन हो गई है, सबको बहुत पसंद आया खाना, बना भी अल्लाह का शुक्र है बहुत मजे का था, उम्मीद नहीं थी। और ये देखिए हम अपनी नई रजाई लेके बैठे हुए हैं, इतनी क्लासिक सर्दी बहुत ज्यादा हो गई आज, एकदम से इतना मौसम चेंज हुआ है, और आज इतनी ठंड हो गई थी जिसकी हद नहीं है, बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है। और मैं आपको जो बताऊं ना कि मुझे जो सबसे बेस्ट चीज लगी है वो मीका है, कि कीमा जो है, कीमा सबसे बेस्ट लगा, उसके साथ दाल माश लगा के आहा क्या मजा आया, खीर भी मजे की है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बड़ी थोड़ी थी। नहीं जो है ना, बाकी सबसे बेस्ट चीज मुझे लगी है वो खीर है, क्योंकि वो तो सारी मैं ही खा सकता हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा होगा कि आपने खीर जो है ना वो ज़्यादा खानी है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए खीर खीर का मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं खा लूँगा सभी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, मैं नहीं भी कोई खाएगा तो बाकी जो है ना, बाकी जो है ना वो बाकी सारे लोग जो है ना इजान लोग तो बाकी चावल चुवल दालें रोटियां और सारी चीजें खाएंगे। एक बात बताता हूँ, जब भी खीर पकती है सबसे ज्यादा बाबा खाते हैं, बाबा कहते हैं पहले तो खाई ली थी, मैं नहीं खाता कुत्ता, दो बाउल खा लेते, फिर उसके बाद एक बाउल मुझसे भागते, एक बाउल अली से भागते, एक बाउल मैंने अलग से बना के बाबा का भी और आप लोगों का अलग रखा हुआ है। बेबी मानो आपको क्या चीज पसंद है ज्यादा? सबसे ज्यादा खाने में से जो आज पका था। अच्छा, तो जो है ना माशाल्लाह जो नया कपल है ना वो बहुत प्यारा है, तो जो नए कपल है ना, नए कपल बहुत ही प्यारा नया कपल है, उसके बारे में जो यकीन कह रहे हैं वो इतने प्यारे, इतने छोटे से लगते हैं,
और जो भाभी है ना मेरी, वो तो हमें खैर बच्चों जैसी लगती है, वो इजान के जितनी वो छोटू छोटू निकू निकू से हैं, क्योंकि बिलाल जो मेरी शादी पे वो बिल्कुल ही निकू सा बच्चा था उस वक्त अभी, माशाल्लाह दोनों निकू निकू से इतने क्यूट कपल बनाए ना हमारी फैमिली का, बहुत ही क्यूट कपल बनाए, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी अता करे, उनकी खैरियत वाली जिंदगी बनाए, उनके अंदर बामी पाको जो है ना मोहब्बत का रिश्ता कायम रखे। बाकी माशाल्लाह अभी तो वो FCPS डॉक्टर बनने वाले ऑलमोस्ट, लेकिन हमें अभी तो भी बच्चे लगते हैं, हमें तो बिल्कुल बच्चों वाले आती है उनकी के बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों वाली फीलिंग आती है। तो बाकी जबरदस्त दावत हो गई है, खुशबाश वो लोग गए हैं, अब उन्होंने चले जाने लाहौर, बाकी भाइयों की तरफ से वो दावत वगैरह खाएंगे, खा के फिर भावलपुर अपनी जॉब पे उन्होंने उनका काम का शुरू हो जाना। पहली दावत हमने इफ्तिताह हमने कर दिया उनकी दावत का, क्योंकि हम बड़े थे और साथ में इधर अवेलेबल भी थे, तो उनकी हमने पहली दावत कर दी है। और हमने कहा था इस दफा कि हम बाहर करते हैं कहीं होटल वगैरह में, लेकिन वो माने नहीं, माने वो कहते हैं हमने घर की चीज ही खानी, खाना इतना कम खाते हैं आप यकीन नहीं कर सकते, हमें समझ नहीं आ रही थी इतनी इतनी, जैसे वो चिड़िया वाली खुराक होती है ना, मैं अभी सोच रही थी, मैंने कहा साथ मैंने सिर्फ इतने से राइस उनको डाल दिए हैं, वो भी उनको लग रहा था कि ज्यादा है, कि नहीं हमारा दिल नहीं कर रहा, नहीं खाया जाना खाना, तो इसलिए ना बस थोड़ा सा उन्होंने खाया है। और यहाँ पर हमारी लड़की जो है ना वो सारे डांस के स्टेप्स यहाँ पे कर रही है, मामू की शादी तो हो गई है, डांस करना इसको अब याद आया है, और इस टाइम पे भी बच्चे चार्ज हैं हमारे। चले आपसे जो ना मुलाकात होगी कल एक नए व्लॉग में, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।